हेलो एवरीवन, वेलकम टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, तो स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग जी यहां पे प्रश्नावली 3.5 पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 3.5 पढ़ने वाले हैं जो क्लास टेंथ का है, और ये सारा सवाल जो एनसीईआरटी किताब का है। तो इससे पहले मैं आपको जो भी है प्रश्न 3.5 का, पहले जो प्रश्न 3 तक गया है सारा मैं पढ़ा दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, और इस 3.4 3.2 3 सारा पढ़ाया हुआ है, जाकर के नीचे चेक कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, नहीं पढ़े तो। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए सवाल क्या बोलता है। 4 नंबर में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ओके, रैखिक समीकरण का क्या करना है, युग्म बनाना है और उनके हल करना है किसी भी ज्यामितीय या बीजगणितीय विधि से। किसी भी बीजगणित यानी कि जो 5 तरह जो हल करते हैं ना, विलुप्तिकरण, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन या तो फिर अनुपात निर्णय विधि एक और है, तो इन 5ों में से किसी एक से भी आप चाहे तो हल कर सकते हैं। तो और लेकिन यहाँ पे बोला यदि उनका अस्तित्व हो, यानी कि अस्तित्व होने का मतलब कि अगर प्रतिच्छेद करता हो तो रेखा, या तो प्रतिच्छेद करता हो या समपाती हो, अगर पैरेलल वाला रेखा आ जाएगा, समांतर वाला रेखा आ जाएगा, तो उसका हल नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबसे इजी तो क्या रहेगा, लुप्तिकरण इजी रहेगा, यहाँ पे सबसे इजी रहेगा और मजा भी आएगा बनाने में। आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग, मासिक मतलब महीना खर्च का एक भाग नियत है। शुरू में एक भाग क्या है, नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, यानी कि महीना में जो है ना जो जो खर्चा है वो नियत मतलब फिक्स है, और फिर उसके बाद क्या खर्च करता है वो डिपेंड करता है इस छात्र पे। जब एक विद्यार्थी ए जो है एक महीना में 20 दिन का भोजन करता है और कितना जाता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करते हैं, यानी कि छात्रावास के लिए, हॉस्टल के लिए, खर्च के लिए अदा करता है। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन के भोजन के लिए, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य व्यय क्या होगा, तो यानी कहने का मतलब नियत व्यय का मतलब ये हुआ फिक्स चार्ज, एक महीना का उसका फिक्स चार्ज है, उसके बाद जितना दिन खाएगा, यानी कि जैसे ही खाना शुरू करेगा, जैसे ही वहाँ रहना शुरू करेगा, तो उसका फिक्स चार्ज जो भी 200 300 400 जो भी फिक्स है, उसके बाद जितना दिन खाएगा उसका टोटल मिला के पैसा आपको देना पड़ेगा अलग से। तो यहाँ पे ए जो है ना एक खाया और 20 दिन तक खाया और कितना दिया 1000 रुपये दिया, तो इसमें दोनों मिला हुआ है, फिक्स वाला भी और जो खाया बाद में, ठीक है। और बी जो है 26 दिन तक भोजन किया जो फिक्स वाला, और ये दोनों मिला करके जो है 1180 रुपये दिया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा जो नियत व्यय है और प्रतिदिन भोजन का व्यय है, जो हमको दोनों का मूल्य जो मानना पड़ेगा, ठीक है। माना कि नियत व्यय का मूल्य क्या मान लेते हैं 100 रुपया, और फिर यहाँ पे प्रतिदिन व्यय का मूल्य, प्रतिदिन जो खर्चा हो उसके बाद कर जो खर्चा होगा वो Y रुपये मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। प्रश्न क्या बोलता है, ए जो है एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन किया, ओके, यानी कि प्रतिदिन कितना दिन किया, 20 दिन किया, प्रतिदिन का हम क्या माने, वाई माने, एक्स हमारा फिक्स है, तो एक्स रुपये तो हमारा क्या होगा, फिक्स रुपया होगा। उसके बाद पर एक दिन के लिए वाई रुपये माने, तो 20 दिन खर्च किया तो कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा, और टोटल खर्च कितना रुपया दिया है, 1000 रुपया दिया हुआ, यह हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। बस यही आपको करना है, अगर इतना बनाने आ जाएगा तो अब फिर आधा मैथ सॉल्व हो जाएगा। दूसरा समीकरण देखिए क्या बोलता है, जब एक विद्यार्थी बी जो है 26 दिन भोजन करता है, तो 26 दिन भोजन करने का मतलब ये होगा, तो 100 रुपये तो हमारा फिक्स चार्ज है, फिक्स खर्चा लगेगा जो भी है, और 26 दिन तक एक दिन के लिए वाई रुपया खर्चा हो रहा, तो 26 दिन के लिए 26y खर्चा हो रहा, और टोटल कितना अदा कर रहा, 1180 रुपया। समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट सेकेंड आपका यहाँ पे बन गया, तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे, और सबसे इजी मेरे ख्याल से जो समीकरण हल करने का विधि है वो मेरे ख्याल से लुप्तिकरण सबसे ज़्यादा बेहतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स एक्स क्या करेंगे, काट देंगे। तो पहला समीकरण फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से क्या करते हैं, घटाते हैं, फर्स्ट को सेकेंड से घटाते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस 20y बराबर 1000, और सेकेंड क्या है, एक्स प्लस 26y बराबर 1180, ठीक है। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे वो तो निशान चेंज, एक्स जोड़ में क्या बन जाएगा, माइनस में,
वाई जोड़ में क्या बन जाएगा माइनस में, 1180 जो है जोड़ में क्या बन जाएगा माइनस में, तो ये दोनों खल्लास खत्म हो गया। अब देखिए 26 में से 20 घटेंगे क्या बचेगा माइनस 6y बचेगा, बिकॉज ये बराबर है 26 में से 20 घटेगा तो माइनस 6 बड़ा वाला माइनस है। यहाँ भी देखिए 1180 में से 1000 घटा देंगे तो जाहिर सी बात 180 बचेगा क्या माइनस में, माइनस माइनस क्या कट जाएगा अच्छे से काट दे 6 3 18 वाई का मान कितना गया, वाई का मान आ गया 30, यहाँ पे वाई का वैल्यू आ गया जी। तो y का मान देखिए कितना आ गया 30 आ गया। अब y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में धर दीजिए तो सबसे इजी यहाँ पे बन जाता है ना, y का मान समीकरण किस में रखते, चलिए फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रखने पर चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है x से प्लस 20y बराबर 1000, यानी कि क्वेश्चन सिर्फ बड़ा था लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं था ना, सिर्फ बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं, बस समझ जाएंगे सारा मैटर हर, तो जो भी सवाल बैठे हो सबका यही हाल है, अगर समझ जाएंगे तो सारा हल, नहीं समझेंगे तो जोड़ वाला भी भारी लगेगा आपको। x का मान तो x रहेगा 20 गुना y का मान कितना हमारा 30 आया, 30 यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 1000, और x हो गया बराबर कर लेते हैं 1000, और ये 3 × 2 = 600 जोड़ है ना, 30 को 20 से गुना करेंगे 600 का, और जोड़ इधर आके क्या होगा माइनस में, तो 600 आके घट जाएगा माइनस में, तो x से बराबर क्या आ जाएगा 400 रुपया। तो आपको पता चल गया x का मान कितना गया 4 आ गया, y का मान 30 आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः नियत व्यय, नियत व्यय का मतलब क्या हुआ फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज था जब कोई स्टूडेंट छात्र जब हॉस्टल में रहने के लिए आया था तो उसको बोल देता था कि आपको जो है 400 रुपया फिक्स लगेगा, यानी कि तुम जितना दिन खाओ, एक दिन खाओ, दो दिन खाओ, पांच दिन खाओ, दस दिन खाओ, तुमको 400 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद तुम जितना दिन खाएगा उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। फिर बोलता है कि प्रतिदिन कितना देना पड़ेगा, प्रतिदिन कितना देना पड़ेगा वाई माने थे, और हमको 30 रुपया देना पड़ेगा। तो देखिए हमारा ये क्या हो गया, दोनों का खर्च निकल गया, नियत व्यय कितना हो गया 400 रुपया और प्रतिदिन व्यय 30 रुपया है, तो कहने का मतलब कि अगर 400 रुपया उसका फिक्स है, अगर एक दिन खाएंगे तो 30 रुपये बढ़ा देंगे, यानी कि 430 रुपये देंगे, दो दिन खाएंगे तो 400 तो देंगे ही, शुरू में 400 देना ही है, हर हाल में 400 रुपये देना है, चूंकि वो फिक्स भाड़ा है, उसके बाद जितना खाएंगे उतना आपको देना पड़ेगा। तो सवाल में बस यही बोल रहा था, जितना 20 दिन एक्स्ट्रा खाता है तो 20y कर दिए, 26 दिन एक्स्ट्रा खाता है तो 26y कर दिया, दोनों को यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है और इसको क्या की हल्की, तो इतना बड़ा सिर्फ सवाल देखने को लगा कि इतना सारा बड़ा सवाल है, बट सवाल को जब देखा जाए तो कुछ जान इसमें नहीं पता चला ना, बहुत ईजी से देख रहे कितना बड़ा सवाल, यानी कि अगर एग्जाम में आ जाए तो मेरे ख्याल से मतलब 90% ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्वेश्चन को छोड़ के देख के छोड़ देंगे, हटाओ इसको नहीं हल करेंगे, हालांकि इसमें कुछ भी जान नहीं है, इतना ईजी सवाल है, तो मेरे ख्याल से इसको रिविजन करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ही ईजी हो जाएगा। आइए इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, 4 का दूसरा सवाल, तो आइए अब सवाल नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, हमारा सवाल देखिए सेकंड क्या बोलता है, बहुत ही सवाल है और इस सवाल को हम लोग पहले भी बना चुके हैं, 3.4 में है भी था सवाल, 3.3 में भी था, एक भिन्न 1/3 हो जाती है ठीक है, जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, जब उसके अंश से क्या करते हैं 1 घटाते हैं, और फिर बोलता है कि वह जो है और वह जो 1/4 हो जाता है कब, जब उसके हर में 8 जोड़ जाता है, तो ये बहुत ईजी वाला सवाल है, तो क्या करेंगे पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे माना कि अंश बराबर क्या मानेंगे x मान लेंगे और हर बराबर y मान लेंगे, तो इससे पहले जो बनाए थे वो आई थिंक प्रत्यस्थापन विधि से बना रहे थे ना, तो यहाँ पे फिलहाल किसी भी विधि से बना सकते हैं, भिन्न बराबर क्या होता है x बाई वाई, तो अब भिन्न हो गया, अब जैसे जैसे सवाल बोलता है प्रश्न से वैसे वैसे हम लोग करते हैं और इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से देखिए क्या बोलता है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो हम अब भिन्न पर लिख लेते हैं, अंश ऊपर लगे हैं अंश है, अंश से 1 घटा देते हैं, यानी कि घटाने बोला तो घटा देंगे, जोड़ने बोलेगा तो जोड़ेंगे, तो अंश के बारे में बोल रहा है, हर के बारे में नहीं बोलता, हर में कुछ नहीं करना ठीक है, और जब अंश से 1 घटाते हैं तो क्या हो जाता है 1/3 बन जाता है 1/3। अब आपको पता है जब ऐसा आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इधर से गुना, इसको इधर से गुना करते हैं, तो पहले एक्स वाला से गुना कर लेते हैं, एक्स को 3 से करेंगे क्या होगा 3x होगा, अब 1 को 3 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, y को 1 से करेंगे तो क्या होगा y हो जाएगा, अब क्या करेंगे जी y को बाएं तरफ लाइए, y को बाएं तरफ लाए तो देखिए 3x y प्लस में क्या बनेगा माइनस में, और 3 माइनस में इसको दाएं तरफ भेज दीजिए क्या बन जाएगा प्लस में, समीकरण क्या हो गया हमारा फर्स्ट हो गया।
अब हम यहीं पे आपको करके बताते हैं नेक्स्ट इक्वेशन ताकि आपको दिखेगा पूरा। फिर दूसरा बोलता क्या, जब वह एक बटा चार हो जाता कब, जब उसके अंश, जब उसके हर में आप क्या करेंगे आठ जोड़ देंगे, यानी कि जो भिन्न हमारा है तथा यहाँ पे करके लिखेंगे नीचे में, ये जो भिन्न है इसमें क्या करते हैं आठ जोड़ते हैं, आठ जोड़ दिए और अंश के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया जा रहा है तो अंश को कुछ नहीं करना है, ठीक है। आठ जोड़ देंगे किसमें, हर में, जब भिन्न में, भिन्न के हर में आठ जोड़ते हैं तो क्या होता है वन बाई फोर हो जाता है। अब क्या करेंगे उसी तरह से हल करेंगे, x को चार से करेंगे तो चार एक्स हो जाएगा बराबर, y को वन से करेंगे तो y और आठ को वन से करेंगे तो आठ हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे y को दाएं तरफ लाइए, सॉरी बाएं तरफ लाइए, y प्लस में क्या बन जाएगा माइनस में बराबर आठ, समीकरण क्या हो गया हमारा सेकेंड समीकरण हो गया। अब देखिए फर्स्ट समीकरण वाई माइनस में, सेकेंड भी वाई माइनस में है तो क्या करेंगे दोनों को एक दूसरे से क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस कर देंगे तब तो एक कंडीशन चेंज होगा और फिर कट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट उतारते हैं थ्री एक्स माइनस वाई बराबर थ्री और फिर सेकेंड क्या है फोर एक्स माइनस वाई बराबर आठ। देखिए ये दोनों क्या करना घटाना है, इसलिए मैं घटाने बोला हूँ ताकि घटाने में क्या होता है निशान चेंज होता है। देखिए चार एक्स प्लस में क्या बन गया माइनस में, वाई माइनस में क्या बन गया प्लस में, तब प्लस में बन गया तब तो ये दोनों कटेगा, अगर नहीं घटाते तो कटता कहाँ से, नहीं कटता, ये आपका आठ जोड़ में क्या बनेगा घटा में। तो देखिए चार एक्स में से तीन एक्स घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा, माइनस में बचेगा और फिर आठ में से तीन घटेगा तो आठ में से तीन घटेगा तो कितना बचेगा जी, आपको पता है आठ में से जब तीन घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना माइनस फाइव आ जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस रहता तो क्या करते हैं उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं x से बराबर क्या आ गया फाइव आ गया। अब x का मान किसी एक में रख लेते हैं, इसका हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। x का मान आप जो है ना कॉपी में जब बनाएंगे तो एक लाइन से नीचे बनाते जाएंगे नीचे से, ओके ऐसे नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे स्क्रीन पे। x का मान समीकरण हम क्या कहते हैं फर्स्ट में रखने पर, चलिए फर्स्ट में, फर्स्ट क्या है हमें देखिए, ये तो समीकरण फर्स्ट वाला है ना, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर थ्री है, तो देखिए एक्स का मान कितना पाँच आया तो तीन गुना पाँच माइनस वाई बराबर तीन। अब देखिए पाँच दिया पंद्रह माइनस वाई बराबर तीन, अब क्या करेंगे जी पंद्रह को भेज दिया दाएं तरफ तो माइनस वाई तो ऐसे रहेगा बेचारा, ये जो जैसे दाएं तरफ जिसको भेजना है लेकिन दाएं तरफ भेजने पर जो कुछ दाएं तरफ लिखा रहेगा उसको ऐसे लिख देंगे और 15 प्लस में जाकर बन जाएगा माइनस में यहाँ पे बन जाएगा। और फिर देखिए माइनस वाई बराबर ये दोनों घटाए कितना है 15 में से 3 गया है तो माइनस 12 और दोनों तरफ माइनस क्या होगा खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे वाई बराबर क्या होगा 12। तो हमको पता चल गया एक्स का मान कितना गया 5 आ गया और वाई का मान 12 आ गया, इसलिए भिन्न बराबर, इसलिए भिन्न, भिन्न क्या माना था एक्स बटा वाई, भिन्न तो ये होता है अंश बटा हर होता है, अंश कितना हमारा है 5 है और हर कितना है 12 है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए ये कितना ईजी सा सवाल था और इसको कितना ईजी से हल कर ली प्रतिस्थापन सॉरी लुप्तिकरण विधि से। तो जहाँ तक देखा जाए तो सभी के नज़रों में जो है लुप्तिकरण विधि या तो विलोपन विधि बोलते ये काफ़ी ईजी देखने को मिलता है, एक ठोकर लुप्त कीजिए या दूसरा यहाँ पे पुट कीजिए, तो आप यहाँ पे इससे भी बना सकते हैं, जिससे मर्जी हो जिससे आसान लगे आपको उसमें आप बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं लुप्तिकरण से बनाया हूँ, अगर आपको लगता है कि किसी और से बनाना आपको लगता है कि किसी और से बनाइए, अगर नहीं बने तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, टेलीग्राम आप ज्वाइन है टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम पर ज्वाइन है तो वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, सर बोलिए आपको वर्जीकरण से बनाना है या तो फिर प्रतिस्थापन बनाना है या अनुपात निर्णय विधि जिस विधि से बनाना है मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर आपको लगे कि मैं इस विधि से बना रहा हूँ और नहीं बन रहा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कहाँ करना कमेंट, टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज करना, तो मैं कोशिश करूंगा सोल्व करने के लिए। चलिए सवाल नंबर 3 पढ़ लेते हैं फिर वीडियो यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सवाल नंबर 3 देख लेते हैं, सवाल नंबर 3 क्या होता है, ये भी लग रहा कि काफी बड़ा टाइप का लग रहा है ना, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है और आसान हो जाएगा आंसर। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है, 40 अंक अर्जित किए और 40 अंक प्राप्त किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, यानी कि जो सही आंसर किए थे सही जवाब दिए थे उसके लिए 3 अंक मिले और जो अशुद्ध उत्तर यानी कि जो गलत जवाब दिए थे उसके लिए 1 अंक जो है काट लिए गए। फिर बोलता है यदि उसे फिर यानी कि यहाँ पे कंडीशन बदल देता है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पे 2 अंक करते तो 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में प्रश्न कितना था, यानी कि जो टेस्ट हो रहा था उसमें प्रश्नों की संख्या निकालना था, कितना प्रश्न संख्या है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा सही प्रश्न की संख्या मानना पड़ेगा और गलत प्रश्न की संख्या मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, मानेंगे क्या मानेंगे कि माना कि यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हल लिखते हैं ना, हल माना कि
सही उत्तर की संख्या, यानी कि सही उत्तर कितना दिया, गलत उत्तर कितना दिया, ये दोनों अगर पता चल जाएगा तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा, है ना। कुल तो पूछ रहा टेस्ट में कुल कितने थे प्रश्न, तो सही उत्तर की संख्या मान लेते एक से था, और फिर गलत, गलत बोले तो अशुद्ध जिसको बोलते हैं, और गलत उत्तर की संख्या क्या मानते हैं वाई, ये दोनों मान लिए। अब जो हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं कुल अंक, कुल अंक, कुल अंक क्या होगा एक्स प्लस वाई, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बट फिलहाल हमको अभी यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे प्रश्न से यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न क्या बोलता है, देखिए जब उसे सही उत्तर पे तीन अंक मिलता है तो सही उत्तर के लिए क्या माना था एक्स, तो सही उत्तर मिलेगा तो तीन एक्स मिल जाएगा, और गलत उत्तर पे क्या होता है एक अंक कट जाता है, कटने का मतलब क्या होता है माइनस हो जाता है, तो ये तीन अंक मिला लेकिन गलत जो दिया ना वो क्या किया एक आंसर जो काट लिया, एक माइनस कर दिया, तो वाई में एक से गुना करेंगे तो वाई हो जाएगा, तो टोटल जो मिला के जो आंसर उसको मिलता है अंक 40 अंक मिलता है, तो हमारा समीकरण क्या हो गया ये फर्स्ट हो गया, समझ में आई ये, यानी कि तीन अंक जो उसको मिला सही पे, और अगर उसी तीन में से जो गलत सवाल बनाया तो उसमें से एक अंक क्या किया काट लिया, तो गलत आंसर के क्या माने हम संख्या वाई, तो एक अंक कटा तो एक वाई, और 40 हो गया टोटल अंक उसको कितना मिला 40 अंक मिला, लेकिन अगर जब कंडीशन बदलता है कि चार अंक उसे मिलते हैं, कितना अंक मिलते हैं चार अंक यानी कि 4x, तो उसको जो है दो अंक करते हैं, कितना अंक करते हैं दो अंक यानी कि 2y, और टोटल कितना नंबर मिलता है 50 नंबर मिलता है, हमारा क्या होगा समीकरण सेकेंड हो गया। अब तो ये समीकरण इजी हो जाएगा, तो इसको जो है ना और इजी कर लेते, क्या करते हैं ना यहाँ पे देखिए 2 क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, 2 मिल रहे हैं दोनों में तो दो कॉमन लेंगे तो 2x - y बराबर क्या हो जाएगा 50, देखिए 2 से काट दीजिए कितना बार कटेगा 25 दोनों 50, 2x - y बराबर क्या हो जाएगा 25, तो हम इसी को समीकरण, चलिए यहाँ पे समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, है ना, इसको 2 नहीं मानते हैं फिलहाल चूंकि उसको हल किया वहाँ पर से, तो हम क्या करेंगे जो हम बनाए ना बाद में उसको मान लेते हैं 2, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ये मिटा दिए। अब हमारा समीकरण 2 यहाँ पे चूंकि इसी से बनाइए तो हमारा 2 यहाँ पे ये हो गया, अब फर्स्ट हो गया, तो देख रहे हैं y हमारा क्या है y भी माइनस में, यहाँ पे एक y माइनस में है और ये भी y माइनस में है, तो समीकरण फर्स्ट को सेकंड से क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या करेंगे जी घटा देंगे, समीकरण कब घटाते हैं, कब घटाते हैं जब दोनों का निशान सेम होता है, या तो जोड़ जोड़ रहता तो घटाते हैं, घटाओ घटाओ है तो भी घटाएंगे, तो देखिए 3x - y बराबर 40 है, और फिर क्या है 2x - y बराबर 25 है, ठीक है। अब क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने के लिए क्या होता है निशान चेंज होता है, 2x प्लस में क्या बनेगा माइनस में, y माइनस में क्या बनेगा प्लस में, 25 प्लस में क्या बनेगा माइनस में, तो ये दोनों खल्लास हो गया। और देखिए 3x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा x बचेगा, और 40 में से 25 घटाएंगे, 40 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 में से 5 गया 5, और 3 में से गया 2 15, x का मान कितना गया 15 गया, तो अब क्या लिखेंगे हम x का मान समीकरण किस में रखते हैं, चलिए यहाँ पे फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या था समीकरण 3x, देखिए यहाँ पे देख रहे यही तो फर्स्ट है 3x - y बराबर 40, अब 3x मान कितना है 15 हम लिख रहे थे माइनस y बराबर 40, और यहाँ पे और आसान से यहाँ बनाते हैं 15 तिया क्या होगा जी 45 - y बराबर 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 45 को दाएं तरफ लाते हैं तो y तो ऐसे रहेगा, फिलहाल 40 ऐसे रहेगा, 45 प्लस में क्या बनेगा माइनस में 45 बन जाएगा, तो देखिए y बराबर क्या बनेगा 45 में से 40 घटाएंगे तो -5 बनेगा, और दोनों तरफ जब माइनस होता है तो क्या होता है कट जाता है, तो y का मान कितना गया 5 आ गया, तो यहाँ पे देखें इसलिए आप लिख दें इसलिए x बराबर 15 और y बराबर कितना गया 5 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे अतः सवाल क्या बोला कुल प्रश्नों की संख्या, यही ना बोला जी प्रश्नों की संख्या बोल रहा था, देखिए सवाल यहाँ पे देख लेते हैं सवाल क्या होता है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे वही बोला ना, अतः कुल प्रश्नों की संख्या, तो संख्या कितना हो गया एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे तो संख्या होगा, तो एक्स हमारा 15 है वाई हमारा कितना है 5 है, टोटल जोड़ देंगे तो 20, यानी कि टोटल जो है क्वेश्चन जो टेस्ट में था वो टोटल कितना प्रश्न था 20 प्रश्न था, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको जो तीन में सवाल बनाया हूँ वो तीनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया ना फिर भी मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर ये सवाल आपको फिर भी नहीं समझ आया है तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पर सर्च कीजिए AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021,
और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे कम से कम 450 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद फिर आप टोटल वहाँ पे जब उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे ग्रुप को, जहाँ पे सारा कॉन्टेक्ट दिखेगा, तो वहाँ पे मेरा आपका मेरा भी वहाँ पे दिखेगा लोगो। तो वहाँ पे जा करके आप जो मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा उसको फिर से आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये मेरी वीडियो, अच्छी लगी? सवाल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, और नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इसलिए बेल आइकन दबाइए क्योंकि जब भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ तो आपके पास तुरंत मैसेज चला जाएगा, और यहाँ पे रोज़ सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे ये दोनों फिक्स है यहाँ पे होगा, बट 9 बजे भी करवाता हूँ और 3 बजे भी करवाता हूँ। तो जब आपका बेल आइकन रहेगा तो मैसेज वहाँ पे चला जाएगा। ऐसे में इस ग्रुप में जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका मैसेज सेंड कर देता हूँ, ओके। और अगर आप मेरे से पर्सनली एक पर्सनल ग्रुप में ऐड बनाया हूँ उसके लिए आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा, तो वो सिर्फ चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पहले इस ग्रुप में जुड़िए और इसके बाद फिर आप मुझे बोलेंगे तो इसमें जोड़ दूंगा पर्सनल वाला ग्रुप में। ये इसमें क्या होगा जी, आपका जो सब्जेक्टिव नोट्स बनेगा उसको, उसका सारा नोट्स जो आपको ये पर्सनल ग्रुप में सेंड किया जाएगा, ओके। तो चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।